Hello everyone, I hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures and I hope आप सब regularly अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे because ये है exam का season और exam सुनते ही हमारा तो blood pressure ही एकदम बढ़ जाता है, BP बहुत high हो जाता है, stress होता है, nervousness होती है. बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो कि हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है बिकॉज हम तो अन अकेडमी के साथ पढ़ रहे हैं एंड विद अन अकेडमी यू कैन एस ऑल योर एग्जाम्स. अब अन अकेडमी से आप पढ़ते हो तो हाउ कैन यू एस योर ऑल द एग्जाम्स, जितने भी स्कूल के एग्जाम्स है या फिर कंपिटेटिव एग्जाम्स है कैसे आप एस कर सकते हो? तो आप अन अकेडमी के साथ सारे अपने एग्जाम्स ऐसे एस कर सकते हो कि अन अकेडमी पे है जितने भी एजुकेटर्स, जितने भी अन अकेडमी पे एजुकेटर्स हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड इट्स द नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म. क्योंकि जब टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बेस्ट कंटेंट पढ़ोगे. तो जब आप बेस्ट कंटेंट पढ़ोगे और बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स है इंप्रूव होने ही वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट अगर आपको अपने एग्जाम्स के साथ अपनी यू नो पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करनी है, अपने एग्जाम्स के रिजल्ट्स तो इंप्रूव करने ही है, एग्जाम्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने ही है, बट उसके साथ यू नो अपना पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, सारी पूरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो तब आपको लेना पड़ेगा अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बात ये आती है कि अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ऐसे क्या बेनिफिट्स होंगे? तो अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है. सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आप टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं. दूसरा बेनिफिट ये आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी ट्यूशन टीचर के घर नहीं जाना, किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ना, आपको अपने घर से पढ़ने का ही एकदम कंफर्ट मिलता है. यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पे जब आप फ्री हो आप वीडियोस खोल के देख सकते हैं अन अकेडमी के. प्लस अन अकेडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है यू नो पूरा सिलेबस जो आपका रहेगा पूरे अच्छे तरह से कवर किया जाता है. आप सारे सब्जेक्ट अनलिमिटेड कोर्सेस को पढ़ सकते हैं. जैसे मैं तो सिर्फ SST की टीचर हूँ, बट अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो कोर्स पढ़ना है, आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप साइंस पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर के लिए कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी आप अन अकेडमी का एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको यू नो यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड कोर्सेस. इसके अलावा अन अकेडमी पे वीकली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं. इतने सारे एग्जाम्स डेली बेसिस और रेगुलर बेसिस पे होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाती है. एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं या फिर पूरे इंडिया में जितने भी टाइप के एग्जाम्स हैं आपके कोर्स से रिलेटेड उन सब में से क्वेश्चन लिए जाते हैं. तो आपका जो है सिर्फ बेस एकदम स्ट्रांग नहीं होगा, इनफैक्ट आपकी फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है अन अकेडमी के थ्रू. अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है जहाँ पे थोड़े से और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. वहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपको एक फ्रेंड की जैसे गाइड करता है. उसके अलावा वहाँ पे भी लाइव क्लासेस होते हैं, आप लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एजुकेटर्स के साथ. यू गेट टू इंटरैक्ट विद द एजुकेटर, यू गेट टू क्लियर ऑल योर एकेडमिक डाउट्स. इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अपने बच्चों को लेके, क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ, कौन सी फील्ड में आगे भेजूँ, कौन सी फील्ड में हमारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं, ऐसे पूरे सारे क्वेश्चंस होते हैं, पूरे हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स को भी. तो अन अकेडमी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों के डाउट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ साथ पेरेंट्स के डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं. और अगर आप अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या तो प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उन सब्सक्रिप्शन पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, कितना डिस्काउंट, 10% का फ्लैट डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज PJAIN10 which is also mentioned at the bottom of your screen. अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन पे. नाउ वेदर यू वांट टू स्टडी मैथ्स, SST, UPSC के लिए प्रिपेयर करना है, JEE मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, या आगे UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना है,
किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर करना है, कोई भी कोर्स पढ़ना है, मेरा कोड हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, हर सब्सक्रिप्शन हर पैकेज पे एप्लीकेबल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको इजीली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे आपको जो सब्सक्रिप्शन लाइक चाहिए, प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप वो ले सकते हैं। और आप मेरा वहाँ कोड डालिए तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा उस सब्सक्रिप्शन पे। और इतनी गारंटी एज एन एजुकेटर जो मैं दे सकती हूँ 100% को, ये है कि आपके एग्जाम्स, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस आपको विद इन अ वीक इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। Within a week you'll see the changes, और ये मेरी guarantee है as an educator of Unacademy। आप subscription लेके तो देखिए, भले ही 6 months का लीजिए, मैं ये नहीं कहती सीधा 18 months का लीजिए, आपको 18 months का लेना है तो बहुत अच्छी बात है। पूरा 18 months में आप अपने आप को एक evolved human being, एक evolved student के जैसे देखेंगे। But अभी के लिए अगर आपको ट्रायल बेसिस पे लेना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि लेके देखता हूँ कैसा है, क्या है, सच में रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं या नहीं, तो आप 6 months का पैकेज ले सकते हैं। और वहां पे भी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही सब्सक्रिप्शन के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं, विच वील बी टॉकिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में सारे पैकेजेस के प्राइस भी बताने वाली हूँ कि कौन सा सब्सक्रिप्शन के क्या क्या प्राइस है, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली अवेल द 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट लेने के बाद क्या रेट्स होंगी, वो सब मैं बताने वाली हूँ बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड एंड डेफिनेटली टेक द सब्सक्रिप्शन। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट इन अ क्लास ऑफ 40 students, अगर आपको कुछ हटके काम करना है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो लेना बनता है। इसके बारे में हम एंड में और ज़्यादा बातें करेंगे, बट नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर चैप्टर। बट उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज प्रतीक्षा जैन, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7। I've completed my Bachelor of Arts in Psychology from Lady Shri Ram College, Delhi, Delhi University. So that's all from my end about myself. And now we move towards our chapter, that is Tracing Changes Through 1,000 Years, that is chapter 1 of our history course. अब आपको स्क्रीन पे एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही होगी, दैट इज पार्ट 1। तो क्या है ना, मैंने क्या किया है, क्योंकि ये चैप्टर इतना लंबा है कि अगर मैं पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ाती तो हो सकता है आप स्टार्टिंग का भूल जाते एंड तक आते आते, या फिर एंड तक आते आते स्टार्टिंग का भूल जाते, या फिर स्टार्टिंग ही इतनी सारी चैप्टर में इतना कंटेंट है कि एंड तक आते आते आपका सारा इंटरेस्ट चला जाता। सो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 2 parts। ये पहला पार्ट है जहाँ पे मैं चैप्टर का आधा पार्ट कवर करूंगी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट वुड बी टाइटल चैप्टर 1 part 2 Tracing Changes Through 1,000 Years, उसका जो पार्ट 2 होगा उसमें है सारे बचे हुए चैप्टर का जितना कंटेंट है उसमें होगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ चैप्टर का आधा कंटेंट ही कवर करूंगी, आधा चैप्टर ही कवर करूंगी, दैट्स व्हाई इट्स रिटन चैप्टर 1। ठीक है, ये भी हो गया, हम चैप्टर पढ़ लेंगे, एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि हम अनअकैडमी के साथ पढ़ रहे हैं। अनअकैडमी में आपको पता ही है टॉप एजुकेटर्स होते हैं सारे। बट उससे पहले हमें अपनी नॉलेज कंप्लीट करनी होगी, पूरी नॉलेज जब हमारे पास होगी देन ओनली वील बिकम अ बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एंड इवॉल्व ह्यूमन रिसोर्स, इवॉल्व ह्यूमन बींग। तो वो नॉलेज कंप्लीट करने के लिए पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो आई नो आपको पता है हिस्ट्री में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, बट फिर भी क्विक रिकॉल के लिए हम कह सकते हैं दैट हिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि जितनी भी चीजें पास्ट में हो चुकी है, पहले के टाइम पे जो भी चीजें हो चुकी है बहुत पहले, पहले 1,000 years पहले भी हो सकता है, 100 years पहले भी हो सकता है, या फिर 50 years पहले भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस का टाइम। तो ऐसे जो हिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्री में जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं, 1,000, 2,000 years बैक, 100 years बैक, 50 years बैक, क्या क्या हुआ है अराउंड द वर्ल्ड इन इंडिया, ये अगर हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं देन दैट इज नोन एज हिस्ट्री।
सो हिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड जो अब हमारा जो चैप्टर है दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स. हमें टाइटल से ही पता चलता है कि कुछ 1000 ईयर्स पहले की हम बात करने वाले हैं, तो ऐसे क्या चेंजेस आए, क्या इवेंट्स वहाँ पे हुए, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बट उससे पहले आई होप हिस्ट्री का मीनिंग आपको क्लियर होगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या हैं, क्या क्या चीजें होती है. आई होप वो सब आपको क्लियर होगा. नाउ मूविंग अहेड टू आवर चैप्टर दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस. हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स. बट क्या चेंजेस होते हैं इन थाउजेंड ईयर्स में, हजार साल में इसे क्या चेंजेस आए हैं, वो हम ग्रेजुअली पढ़ने वाले हैं. बट सबसे पहला चेंज जो है वो मैप्स का चेंज है. जो मैप होता है इंडिया का, उसमें ओवर द ईयर्स क्या क्या चेंजेस आए हैं हम उससे स्टार्ट करेंगे. तो आपकी स्क्रीन पे एक मैप आपको दिख रहा है. ये मैप 1154 CE में एक अरब जियोग्राफर ने बनाया था जिनका नाम था अल इदरीसी. अल इदरीसी ने ये मैप बनाया था 1154 CE में. अब इस मैप की क्या खास बात है, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा श्रीलंका इंडिया के भी ऊपर है. नॉर्मली आज जो हम मैप देखते हैं उसमें क्या होता है, नीचे साउथ इंडिया होता है और साउथ इंडिया के नीचे होता है श्रीलंका. बट अल इदरीसी ने टोटली डिफरेंट मैप बनाया था. इनके मैप के अकॉर्डिंग ऊपर श्रीलंका था और श्रीलंका के नीचे इंडिया था. आप देख भी सकते हो एक बड़ा सा जो बॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इफ यू कैन सी माय कर्सर, ये बड़ी सी बॉल श्रीलंका है और इसके नीचे जो यू नो एक ट्राइंगुलर सरफेस है और उसके बाद फ्लैट सरफेस टाइप से है, दैट इज डिनोटेड बाय इंडिया. तो ये मैप बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द काइंड ऑफ मैप जो हम आज देखते हैं. आज के मैप में हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया ऊपर होगा एंड देन देयर साउथ इंडिया और उसके नीचे श्रीलंका होता है. बट इस मैप में श्रीलंका ऊपर है और श्रीलंका के जस्ट नीचे इंडिया है. सो वी यू नो यू गेट टू नो कि ओवर द ईयर्स इतने थाउजेंड ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं. तो ये 1154 CE में अल इदरीसी ने इंडिया का मैप बनाया था एंड इस मैप में जितनी भी जगहों के नाम है वो सब अरेबिक में है. हम एक दूसरे मैप की बात करते हैं. आपकी स्क्रीन पर अब एक नया मैप है. ये मैप बनाया था 1720 में. दिस मैप वॉज मेड बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. अब क्वेश्चन आता है कार्टोग्राफर कौन होते हैं. सो कार्टोग्राफर आर पीपल हु मेक मैप्स. यानी कि मैप जिसने बनाया उनको हम कार्टोग्राफर कहेंगे. हम ये भी कह सकते हैं कि अल इदरीसी भी एक कार्टोग्राफर थे 1154 CE के, क्योंकि जो भी मैप्स बनाते हैं उनको कहा जाता है कार्टोग्राफर. तो ऐसे एक फ्रेंच कार्टोग्राफर यानी कि एक फ्रांस में रहने वाले कार्टोग्राफर ने 1720 में ये इंडिया का मैप बनाया. अब आप देख सकते हैं ये मैप बहुत डिफरेंट है. इनफैक्ट इट्स क्वाइट सिमिलर टू द काइंड ऑफ मैप विच वी सी टुडे. जो टाइप का मैप आज हम देखते हैं ये इससे काफी सिमिलर है, राइट. ये मैप जो है अल इदरीसी ने मैप बनाया था 1154 CE में. ये मैप जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैप उसके 600 साल बाद बनाया गया था, यानी कि 600 ईयर्स बाद बनाया गया था. अल इदरीसी ने जो मैप बनाया उसके 600 ईयर्स बाद ये मैप बनाया गया था और इसी कारण से बहुत सारी इंफॉर्मेशन में चेंजेस आए जो कि हम देख ही सकते हैं. अल इदरीसी ने मैप बनाया था जहाँ श्रीलंका ऊपर था और इंडिया नीचे था. बट यहाँ जो मैप है इट्स क्वाइट सिमिलर टू द काइंड ऑफ मैप विच वी सी टूडे. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ओवर द ईयर्स इंफॉर्मेशन में बहुत नए नए चेंजेस आए. जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यानी कि इंडिया, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए जिसके कारण जो है इस टाइप का मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया. इनफैक्ट यही मैप, इसी टाइप के मैप्स को यूज करते हुए यूरोप से जो मर्चेंट आए, यूरोप से जो सेलर्स आए, इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, वो सब ऑल ऑफ देम केम थ्रू दिस यूजिंग दिस मैप. सो आई होप मैप्स में कैसे ओवर द ईयर्स चेंजेस आए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. देखो बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से समझनी हमें आए इस चैप्टर में कि क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ट्रेसिंग चेंजेस ओवर अ थाउजेंड ईयर्स.
हजार साल में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं, 1000 years में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चेंज तो हमने देख लिया कि मैप्स में चेंज आए। 1154 CE में कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट अलग मैप बनाया था अलीद्रीसी ने, और 1700s में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इंडिया का बिल्कुल ही अलग मैप बनाया था, राइट। वैसे ही हम अब लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए वो बात करेंगे, कि जो अलग अलग टर्म्स है क्या क्या चेंजेस उनमें आए हैं, लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, वर्ड्स जो कॉमनली आज हम यूज करते हैं उसका पहले क्या मीनिंग था, आज क्या मीनिंग है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के चेंजेस क्या आए हैं, लैंग्वेज में क्या चेंजेस हैं, मैप्स में क्या चेंजेस हैं, सोशल और पॉलिटिकल लाइफस्टाइल्स में लोगों के क्या चेंजेस हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। करेंटली वी आर स्टडिंग न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज बेसिकली कहते हैं टर्म्स को, कोई भी वर्ड को। तो उसमें पहले आज क्या टर्म यूज हुआ करते हैं और पहले उस टर्म का क्या मीनिंग था, तो वो हम देखेंगे। बट जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में आज एग्जिस्ट करते हैं। कोई ब्रज भाषा में है, कोई संस्कृत में लिखा हुआ है, कोई अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या कोई फारसी में लिखा हुआ है, कोई उर्दू में लिखा हुआ है। तो जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं ये अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आज के टाइम पे हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रामर है, जो वोकैबुलरी है, उन वर्ड्स की मीनिंग बहुत चेंज है। तो ऐसे ही हम दो वर्ड्स की मीनिंग को कंसिडर यहाँ पे करेंगे। पहला वर्ड है हिंदुस्तान। इट्स अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड, आज के टाइम पे भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, हिंदुस्तान। बट पहले के टाइम पे हिंदुस्तान का क्या मीनिंग था और आज के टाइम पे क्या मीनिंग है, लेट्स स्टडी दैट। सो 13th century में मिनहाज ए सिराज ने 13th century में हिंदुस्तान वर्ड को सबसे पहली बार यूज किया था। और जब इन्होंने ये वर्ड यूज किया हिंदुस्तान, तो इनका क्या मीनिंग था, जब ये वर्ड यूज किया मिनहाज ए सिराज ने, जब हिंदुस्तान वर्ड यूज किया तो वो क्या मीनिंग बताना चाहते थे। तो उनके अकॉर्डिंग ही यूज दिस टर्म हिंदुस्तान टू बेसिकली डिनोट द एरियाज दैट केम अंडर दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली में जितने भी रूलर्स हुए, जितने भी सुल्तान हुए, उनकी गवर्नेंस किस किस एरिया तक थी, उस एरिया को बताने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया। यानी कि ये कौन कौन से एरियाज हुए, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड थी, ये सारी एरियाज को इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड से डिनोट किया। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, आज का जो हिंदुस्तान है वो पूरा हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जितना भी एरिया है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान बेसिकली आज के टाइम पे अगर हम हिंदुस्तान कहें तो हिंदुस्तान हमारे लिए इंडिया है, इंडिया को ही हिंदी में हिंदुस्तान कहते हैं, राइट। पहले के टाइम पे भी भारत जो है उसका ही एक दूसरा नाम हिंदुस्तान के वे में यूज करते हैं लोग आज भी। बट जो मिनहाज सिराज है, इन्होंने 13th century में सिर्फ उतने ही एरिया को बताने के लिए इस टर्म को यूज किया जितने एरियाज के ऊपर दिल्ली के रूलर्स रूल करते थे, जितने भी एरियाज पे उनकी रूलिंग थी, जितने भी एरियाज को दिल्ली के सुल्तान रूल करते थे, सिर्फ उतने ही एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान माना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट नीड्स टू बी नोटेड इज when he used मिनहाज ए सिराज ने जब हिंदुस्तान को यूज किया तो ही डिड नॉट इंक्लूड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ही डिड नॉट इंक्लूड साउथ इंडिया। जबकि आज जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरे नॉर्थ से लेके साउथ पूरा जो है उसको हम हिंदुस्तान मानते हैं, वेस्ट टू ईस्ट पूरा गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जितने भी ईस्टर्न साइड के स्टेट्स हैं हमारे, वहां तक को हम हिंदुस्तान मानते हैं। लेकिन 13th century में हिंदुस्तान का ये मीनिंग नहीं था, इट ओनली मेंट ऑल दोस एरियाज दैट केम अंडर दिल्ली सुल्तान्स। अब 16th century में, यानी कि 300 साल बाद 16th century में बाबर ने हिंदुस्तान का फिर से यूज किया। अब व्हेन बाबर यूज दिस टर्म हिंदुस्तान,
बाबर का मतलब था हिंदुस्तान से यहाँ का जितने भी फ्लोरा है, फौना है, यानी कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ के कैसे लोग हैं, उस वे में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज किया था। तो हमें यहीं पे डिफरेंस पता चल जाता है कि जब 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड यूज किया तो दैट ओनली मेंट फॉर ऑल द एरियाज दैट केम अंडर दिल्ली सुल्तान। 16th सेंचुरी में जब बाबर ने हिंदुस्तान टर्म यूज किया तो बिल्कुल मीनिंग ही डिफरेंट हो गए। बाबर ने हिंदुस्तान टर्म यूज किया ज्योग्राफिकल सेंस में, यानी कि जिस एरिया में क्या क्या फौना है, किस टाइप के एनिमल्स है यहाँ पे है, किस टाइप की फ्लोरा यहाँ पे है, किस टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, किस टाइप के कल्चर यहाँ पे है। तो ये टर्म्स जो है 13th सेंचुरी में बिल्कुल ही अलग वे में यूज हुआ था, 16th सेंचुरी में बिल्कुल ही अलग वे में यूज हुआ, और आज जो हम हिंदुस्तान यूज टर्म यूज करते हैं उसका कुछ एकदम ही अलग मीनिंग है। तो हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड द नेशनल मीनिंग दैट वी एसोसिएट टुडे। आज जब हम हिंदुस्तान टर्म कभी यूज करते हैं तो हमारी कुछ पॉलिटिकल मीनिंग्स होते हैं कि यहाँ से यहाँ यू नो नॉर्थ से साउथ तक या वेस्ट से ईस्ट तक जो एरिया है वो हिंदुस्तान के अंदर आ गया, या फिर कोई नेशनल मीनिंग होता है। तो आज जो हम टर्म यूज करते हैं हिंदुस्तान 13th 16th सेंचुरी में, उसका मीनिंग जो है बिल्कुल ही अलग था। सो ये जो पूरे इस टर्म से मतलब बताने की कोशिश ये वो यही है कि ओवर द इयर्स कैसे हर चीज में चेंज आया है। 13th सेंचुरी में इस टर्म का अलग मीनिंग था, 16th सेंचुरी में अलग मीनिंग था, और आज के टाइम पे इस टर्म का बिल्कुल ही अलग मीनिंग है। सो ओवर द इयर्स चेंज इज कमिंग, और वो कैसे हर जगहों पे चेंज आ रहे हैं, मैप्स में चेंज आ रहे हैं, लैंग्वेज में चेंज आ रहे हैं, वो ही सब हम पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं टर्म्स का कि कैसे वर्ड्स ओवर द इयर्स जो वर्ड मीनिंग है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे फॉरेनर अगर हम कहते हैं कि कितने सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं इंडिया में घूमने, तो हमारे फॉरेनर्स बेसिकली आज के टाइम जब हम ये टर्म यूज करते हैं तो उसका यही मीनिंग होता है वो सारे लोग जो इंडिया में नहीं रहते, ऑल ऑफ देम आर फॉरेनर्स, राइट। सो फॉरेनर्स इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन, जो इंडिया का पार्ट नहीं है वो फॉरेनर है। बट मिडिवल पीरियड में, यानी कि पहले के टाइम पे, फॉरेनर्स का मतलब बहुत अलग था। तो कोई भी सोसाइटी या कल्चर का जो भी पार्ट नहीं था, एनी वन हु वॉज अ स्ट्रेंजर टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी और अ कल्चर, उसको कहते थे फॉरेनर। फॉर एग्जाम्पल राजपूत जो थे उनका कल्चर बहुत अलग था, उनकी सोसाइटी, उनके ट्रेडिशंस बहुत अलग थे। वेयर एज जो दिल्ली के जो रूलर्स थे, जो मुगल्स थे, उनका कल्चर बहुत अलग था, उनकी सोसाइटी ट्रेडिशंस बहुत अलग थे। सो बोथ ऑफ देम सॉ ईच अदर एज फॉरेनर्स। फॉर राजपूत मुगल्स वर फॉरेनर्स, बाहर से आए हुए लोग। सो इस टाइप में फॉरेनर वर्ड का भी ओवर द ईयर्स मीनिंग जो है वो चेंज हुआ है। सो आई होप लैंग्वेज में कैसे टर्म्स का मीनिंग चेंज होता है, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स कैसे ओवर द इयर्स चेंज होते हैं, आपको क्लियर होगा। नाउ वी मूव ऑन टू हाउ हिस्टोरियन स्टडी द पास्ट। हमें ये पता है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि हिस्ट्री का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यानी कि पहले के टाइम पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको पढ़ने के लिए, उन सब को अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं हिस्टोरियंस, राइट। जैसे जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, नहीं नॉट ज्योग्राफी, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उनको हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं वो ऑथर्स हो सकते हैं या पोएट्स हो सकते हैं, अलग अलग नाम होते हैं जो भी लोग कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको हम मैथमेटिशियन कहते हैं, जो साइंस पढ़ता है उनको हम इंजीनियर्स कह सकते हैं या साइंटिस्ट कह सकते हैं, अ मोर अप्रोप्रिएट टर्म। वैसे ही जो हिस्ट्री पढ़ता है उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। अब हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जितने भी पास्ट इवेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है हिस्टोरियंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, और हिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरियंस इन पास्ट इवेंट्स को पढ़ते कैसे हैं, यानी कि हिस्टोरियंस हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि भाई टाइम मशीन में आप बैठे और 100 साल पहले पहुंच गए
ऐसा तो कुछ होता नहीं है, और जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो पास्ट में हुए हैं, हो चुके हैं, तो आप टाइम में पहले तो नहीं जा सकते, टाइम मशीन तो यूज करके उस टाइम पे नहीं पहुंच सकते, राइट? तो हिस्टोरियंस इन पास्ट इवेंट्स को पढ़ते कैसे हैं? तो टू लर्न अबाउट द पास्ट हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज करते हैं, और ये जो सोर्सेज होते हैं दैट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। पहला, कौन सा पीरियड हिस्टोरियंस को पढ़ना है, यानी कि मिडिवल पीरियड पढ़ना है, 700 से 1750 का जो पीरियड है वो पढ़ना है, इंडिपेंडेंस का टाइम का जो पीरियड है वो पढ़ना है, या फिर उससे भी कुछ पहले का पीरियड पढ़ना है। तो कौन सा पीरियड पढ़ना है उस पर डिपेंड करता है कि हिस्टोरियंस किस टाइप का सोर्स यूज करते हैं। दूसरा होता है नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को अवेल करना चाहते हैं, क्या उन्हें टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स चाहिए, क्या उन्हें ये जानना है कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा कैसे रहते थे, या उन्हें ये जानना है कि कौन से राजा की कौन से राजा से वॉर हुई, विच ऑल डायनेस्टीज वर देयर, या कौन सी मोनार्की थी, या ये सब आता है नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वो किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो ये वन मार्क टू मार्क क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन यूजुअली बहुत बार आता है, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि हिस्टोरियंस के सोर्सेज किस किन दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कौन से दो फैक्टर्स पे हिस्टोरियंस के जो हिस्ट्री पढ़ने के सोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं। तो दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। अब इस चैप्टर में इनफैक्ट आपकी जो पूरी बुक है हम सिर्फ एक ही टाइम पीरियड पे फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज मिडिवल पीरियड। ये मिडिवल पीरियड क्या होता है? सो बेसिकली 700 से 1750 इयर्स, यानी कि जो एक हजार साल है, 700 इयर्स से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस आए उसको कहते हैं मिडिवल पीरियड। यानी कि 700 से लेके 750 टाइम पीरियड, ये जो है हजार साल का, इस 700 से 750 के पीरियड को हम कहते हैं मिडिवल पीरियड। एंड इनफैक्ट इस पूरी बुक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि 700 ईयर्स से लेके 1750 तक क्या क्या चेंजेस आए, किस टाइप के चेंजेस आए, कौन कौन से रूलर्स यहाँ पे आए इस टाइम के बीच में, कौन कौन सी डायनेस्टीज फॉर्म हुई, ये सारे चेंजेस हम इस साल पढ़ने वाले हैं। 7th स्टैंडर्ड की जो हिस्ट्री बुक है उसमें हम बेसिकली इसी टाइम पीरियड पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज मिडिवल पीरियड। अभी हमने देखा कि हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, उनके सोर्सेस कि नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन क्या है, और वो कौन सा टाइम पीरियड पढ़ना चाहते हैं, मिडिवल पीरियड पढ़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस पीरियड पढ़ना चाहते हैं। तो इन दो चीजों पे ये दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन से सोर्स को यूज करें। अब बात आती है कि ये सोर्स क्या होते हैं। देखो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि जो ये जो सोर्सेज होते हैं जिन चीजों से हिस्टोरियंस हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो चीजें दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि पीरियड ऑफ द स्टडी एंड नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस जिससे हिस्ट्री का पता लगाया जाता है वो सोर्सेस क्या है, क्योंकि टाइम मशीन तो है नहीं कि भाई टाइम मशीन में बैठे और जब अकबर राजा थे या फिर बाबर का टाइम था तब क्या हो रहा था उस पीरियड में हम पहुंच गए, टाइम ट्रैवल करके पहुंच गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब इतने साल पहले की बातें कैसे हिस्टोरियंस को पता चलती है, तो उसके अलग अलग सोर्सेस होते हैं, और वो सोर्सेस क्या है, कॉइन्स यानी कि सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। कॉइन्स यानी कि सिक्के, जैसे बाबर के टाइम पे अलग टाइप के सिक्के होंगे, अकबर के टाइम पे अलग टाइप के सिक्के होंगे, महाराणा प्रताप के टाइम पे अलग टाइप के सिक्के होंगे, या फिर आज के जो हमारे कॉइन्स होते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट, जब उसमें अशोक का एक एम्बलम बना होता है, तो हो सकता है राजा अशोक के टाइम पे और अलग डिफरेंट कॉइन्स होते होंगे। तो किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए कॉइन्स हिस्टोरियंस यूजुअली स्टडी करते हैं, फिर इंस्क्रिप्शंस करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इंस्क्राइब्ड है
आर्किटेक्चर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टेम्पल है जो लगभग 500 ईयर्स पहले का होगा, तो ये टेम्पल पे किस टाइप की कार्विंग की गई है, किस टाइप के एम्बलम्स उस माउंटेन पे है, किस टाइप का मटेरियल उसको बनाने में यूज किया गया है, और पहले के जो फोर्ट थे उन सबको स्टडी करके, ये पूरा आर्किटेक्चर को स्टडी करके हिस्टोरियंस नई नई बातों को जानते हैं। एंड लास्टली टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो लिखी हुई चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं पहले के टाइम की, उनको पढ़ पढ़ के भी बहुत सारी चीजों का बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। एंड दीज आर द फोर थिंग जिसपे हिस्टोरियंस डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं। सो टू स्टडी द मिडिवल पीरियड हिस्टोरियंस रिलाइड ऑन फोर थिंग्स, दैट इज कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं मिडिवल पीरियड की, यानी कि 700 ईयर से लेके 1750 तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं मिडिवल पीरियड। हम बात करें मिडिवल पीरियड की, अभी जो मिडिवल पीरियड है यानी कि 700 साल से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड है, 700 से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे जो है बहुत सारे टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो गए, यानी कि लिखी हुई चीजें, बहुत सारी बुक्स लिखे जाने लगी, डॉक्यूमेंट्स को लिखा जाने लगा, जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स है यानी कि वो रिकॉर्ड्स, वो बुक्स या वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे टेक्स्ट पढ़ने को मिलता है, जिससे आपकी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है, वैसे ही बहुत इस ये जो मिडिवल पीरियड है इस टाइम पे भी बहुत सारी टेक्सुअल रिकॉर्ड्स बनने लगे। एंड जिस कारण से, क्योंकि टेक्सुअल रिकॉर्ड्स बढ़ने लगे, तो जितनी भी दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन थी वो सारी खत्म होने लगी एंड लार्जली टेक्सुअल रिकॉर्ड्स ही लिखे जाने लगे। अब टेक्सुअल रिकॉर्ड्स यानी कि लिखना है तो हमें ऑब्वियसली पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो ये टाइम पीरियड में पेपर जो है धीरे धीरे बहुत सस्ता होने लगा और बहुत इजीली अवेलेबल होने लगा। इनफैक्ट आज जो हम पेपर यूज करते हैं वो बहुत डिफरेंट है उस टाइम पे जो पेपर था, क्योंकि ना तो तब कोई टेक्नोलॉजी थी। आप ये बात है ना अच्छे से ध्यान में रखो कि हम बात कर रहे हैं 1750 से भी पहले के टाइम की, आज है 2021 और हम बात कर रहे हैं 17th century, 1750 से भी पहले का जो टाइम है उसकी बात कर रहे हैं हम, जब राजा महाराजा होते थे। तो उस टाइम पे ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, ना कोई मशीन थी जो बुक्स छाप देती, तो कैसे, किस टाइप का जो पेपर यूज करते थे ये लोग लिखने के लिए उस टाइम के लोग, वो बहुत डिफरेंट होता है आज जो हम पेपर यूज करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे टेक्सुअल रिकॉर्ड्स का एक बहुत ट्रेंडिंग हो गया, वायरल हो गया, पूरे हर जगह पे पेपर वायरल हो गया, एक तरह से ट्रेंडिंग होने लगा पेपर, तो पेपर जो है बहुत इजीली पॉपुलर हो गया, बहुत वाइडली अवेलेबल होने लगा, हर जगह पेपर बहुत इजीली मिलने लग गया, और इस कारण से टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो है वो बढ़ गए, क्योंकि पेपर इजीली अवेलेबल था तो लोग सीधा सीधा टेक्स्ट बुक्स बनाने लगे, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब बनाने लगे। अब बात आती है कि ठीक है, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, जिस कारण से पेपर बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बट अब एक क्वेश्चन आता है, ये जो पेपर है ये क्या चीजें लिखने के लिए काम आता था? पेपर तो ठीक है मेरे पास बहुत सारा पूरा एक बंडल है, बट अगर मुझे उस पेपर पे कुछ लिखना ही नहीं तो वो मेरे लिए तो वेस्ट है, राइट? अगर आपके सामने एक पूरा रजिस्टर पड़ा है और उस रजिस्टर का आपको कोई यूज ही नहीं है, अभी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो वेस्ट है, राइट? वो क्यों रजिस्टर कंपनी प्रोड्यूस करेगी? तो वैसे ही पेपर तो बनने लग गया, बट पेपर किस चीज के लिए यूज होने लगा? तो पेपर पे उस टाइम के लोग या तो अपने होली टेक्स्ट लिखते थे, यानी कि धार्मिक कथाएं लिखते थे, या उनकी जो प्रार्थना होती थी, प्रेयर्स जो होती थी, या कुछ रिलेटेड जो चीजें थी वो होली टेक्स्ट लिखने लगे। इनफैक्ट जो रामायण है, महाभारत है, कुरान है, जितने भी होली टेक्स्ट है, हर धर्म के कुछ होली टेक्स्ट होते हैं, तो ये जो होली टेक्स्ट है ये सब हर धर्म के पेपर पे लिखे जाने लगे। रिलीजन के अलावा जितने भी इस टाइम के रूरल रूलर्स हुए हैं, जो राजा हुए हैं, राजाओं के बेटे हुए हैं, उनकी तारीफ करने के लिए भी पेपर पे लिखा जाता था, उनके ऊपर पोएम्स बनाई जाती थी, उनके ऊपर किस्से कहानियां लिखी जाती थी, ये सब
पेपर पे लिखा जाता था। इनफैक्ट आज जो भी हम यू नो किससे कहानियां सुनते हैं, अगर हम टीवी पे कोई हिस्टोरिकल सीरियल भी देखते हैं तो वो सब कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जो बुक्स है वहां पे लिखा हुआ है और वो पढ़ पढ़ के ही इस टाइप के सीरियल्स बनाए जाते हैं। तो जितने भी रूरल्स हैं, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उन सब के बारे में किसी बुक्स में लिखा गया है, उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनके यू नो किस किंगडम के वो किंग थे, ये सब उस टाइम पे लिखा जाता है और जिसके कारण ही आज भी हम इतना सब कुछ पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा लेटर्स लिखे जाते थे जो सेंट होते थे, यानी कि जो साधु होते थे, जो ऋषि होते थे, वो भी उनकी जो टीचिंग्स होती थी, वो उनकी जो पढ़ाई होती थी, वो भी पेपर पे लिखते थे। और उसके अलावा जो अकाउंट्स है, टैक्स है, यानी कि इतना पैसा इन चीज़ों को खरीदने में लगेगा या इतने पैसे यहाँ पे घर बनाने में इन्वेस्ट हो, ये जितने भी अकाउंट्स थे या उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, वो उन सब का भी एक रजिस्टर बनाया जाता था और वो रजिस्टर बनाने के लिए भी पेपर यूज होता था। तो आई होप पेपर कहाँ कहाँ यूज होता है ये अगेन MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है कि पहले के टाइम पे लोग जो पेपर है कहाँ कहाँ यूज करते थे, किस तरह से यूज करते थे। तो आपको ये सारी चार पॉइंट्स लिखने हैं कि पहले के टाइम पे होली टेक्स्ट लिखने के लिए पेपर यूज होता था, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स यानी कि जो राजा हुए थे उनकी तारीफ वगैरह करने के लिए भी पेपर पे ही तारीफ लिखी जाती थी, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स यानी कि जो चिट्ठियां होती थी वो लिखी जाती थी, जो ऋषि होते थे, साधु होते थे, उन लोगों की जो टीचिंग्स है वो पेपर पे लिखी जाती थी, एंड जितने भी अकाउंट्स उस टाइम पे थे, जितने भी टैक्स वगैरह लोगों से लिए जाते थे, उस सब का एक रजिस्टर मेंटेन होता था जिसके लिए पेपर यूज होता था। आई होप पेपर की सारी यूटिलिटी आपको समझ आ गई होगी। अब उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि भैया बुक्स प्रिंट हो जाती थी और वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि भैया ठीक है हिस्ट्री की बुक लिख देते हैं क्या क्या हुआ और सब में उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ऐसा उस टाइम पे कुछ था नहीं। तो उस टाइम के लोग, पहले के जमाने के लोग क्या करते थे, वो लोग पूरी बुक अपने हाथ से लिखते थे। जस्ट इमेजिन अगर मैं आपको कहूँ आपका ये जो चैप्टर वन है ये पूरा अपने हाथ से लिखो तो कितना टाइम आपको लग जाएगा, बट वहाँ पे तो पूरी पूरी बुक्स, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे पूरे राजाओं के ऊपर पूरी पूरी ऑटोबायोग्राफी सब हाथ से लिखी जाती थी। और ये जितनी भी बुक्स, जितने भी डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखे जाते हैं उनको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इनफैक्ट आज के जितने भी हिस्टोरियंस हैं दे गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो पहले के टाइम पे जो लिखी गई हैं बुक्स, जो हाथ से लिखी गई हैं, जो ओरिजिनल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो वो जो पूरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है रामायण का, जो वाल्मीकि जी ने खुद लिखी है, वो कहलाएगी रामायण की मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ऐसे पहले के टाइम पे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, राजाओं के बारे में लिखा गया है या कोई जगह के बारे में लिखा गया है, ये सारी चीजों को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट इज बेसिकली एनी बुक, एनी डॉक्यूमेंट दैट इज रिटन बाय हैंड। तो जो भी चीजें हाथ से लिखी गई है, किताबें हो गई या कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए जो पहले के टाइम पे लिखे गए थे, उनको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, यानी कि जो अमीर लोग थे वो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवाते थे और अपने पास रखते थे। मंदिरों में मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, मोनेस्ट्रीज में मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, और अगर आज की बात करूँ तो आज के टाइम पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरीज या आर्काइव्स में रखा जाता है। ये कितनी बड़ी बात है कि कितने पुराने टाइम की हम बात करें, 1700 से 1750, आज इतनी सारी सेंचुरीज जा चुकी है, आज 2021 में भी हमारे पास इतने पुराने टाइम की मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि कैसे अवेलेबल है, कहाँ इतने अच्छे से इनको स्टोर किया गया कि आज के टाइम पे 2021 में भी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। तो ये कहाँ ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी गई है, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में, जो पूरे इंडिया में बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज है, नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरीज, वहाँ पे इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अच्छे से स्टोर किया जाता है या फिर आर्काइव्स में भी इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। आर्काइव्स इज बेसिकली वो जगह जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है।
तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बेसिकली लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में स्टोर किया जाता है, जिसके कारण इतने सालों से ये इतने अच्छे से प्रिजर्व हो गई हैं, इतने अच्छे से स्टोर हो गई हैं कि आज के टाइम पे भी ये हमारे लिए अवेलेबल है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस तो पहले के टाइम पे अवेलेबल थी नहीं, तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, हमें ये तो पता है कि वो बुक्स या वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हाथ से लिखा जाता है। तब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उनको कौन लिखता था? हर कोई तो लिख नहीं सकता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्स थे, पूरी पूरी बुक्स जो थी उस टाइम पे, किसी भी राजा की ऑटोबायोग्राफी या किसी किंगडम के बारे में अगर कहीं लिखा गया था तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन लिखते थे? स्क्राइब्स लिखते थे। तो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते हैं या कॉपी करते हैं उनको कहते हैं स्क्राइब्स। अब क्या हुआ, सपोज एक एग्जांपल हम रामायण का ही लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो रामायण लिखी वो वाल्मीकि जी ने लिखी, दैट वाज द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ रामायण, ठीक है। अब ओवर द इयर्स बार बार वो रामायण लिखी गई, बार बार रामायण लिखी गई, तो ये जो स्क्राइब थे, जो सबसे पहला स्क्राइब हुआ होगा, उसने वाल्मीकि जी वाली रामायण को कॉपी किया। कॉपी करते हुए हो सकता है इस स्क्राइब ने थोड़े चेंजेस कर दिए वर्ड्स में, मात्रा वगैरह में चेंजेस कर दिए, ओके। नाउ इस स्क्राइब की जो मैन्युस्क्रिप्ट हुई वो और अलग अलग स्क्राइब्स ने कॉपी की, फिर और अलग जनरेशन के स्क्राइब्स ने कॉपी की, फिर और अलग जनरेशन के स्क्राइब्स ने कॉपी की। तो ऐसे करते करते, क्योंकि रामायण आज इतनी बार कॉपी हो चुकी है, तो हर रामायण में कुछ ना कुछ अलग है, आज कुछ ना कुछ बदल गया है। तो अगर हम आज की रामायण को जो ओरिजिनल रामायण से कंपेयर करें तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग चेंज कर दे हो चुके हैं। तो ये चेंज क्यों आया, बहुत इजी है, हमें पता है मैन्युस्क्रिप्ट कौन लिखते हैं, स्क्राइब्स लिखते हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसको कॉपी करते हैं स्क्राइब्स। तो ओवर द इयर्स जब स्क्राइब्स कॉपी करते गए तो वो थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी तरफ से डालते गए, कुछ वर्ड की मीनिंग चेंज कर दिए, कुछ वर्ड्स ही चेंज कर दिए। तो ऐसे जो जो छोटे छोटे डिफरेंस के कारण चलते चलते ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनमें सेम टेक्स्ट है बट वो काफी डिफरेंट बन चुके हैं। सो दी स्मॉल डिफरेंस दैट ग्रू ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कहने का मतलब यही है, अगर आपको ये समझना है तो रामायण का एग्जाम्पल दिमाग में रखो। सबसे फर्स्ट कॉपी वाल्मीकि जी ने लिखी, फिर वाल्मीकि जी की जो रामायण थी उसको किसी स्क्राइब ने कॉपी किया, फिर उस स्क्राइब ने थोड़े बहुत चेंजेस अपने मन से डाल दिए, थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज कर दिए, बहुत सारे नहीं, थोड़े से। फिर एक सेकेंड स्क्राइब था, उसने 50 साल बाद वापिस रामायण कॉपी की तो उसने और चेंजेस डाल दिए। जो थर्ड स्क्राइब था उसने जब सेकेंड स्क्राइब की रामायण कॉपी करी तो उसने उस सेकेंड स्क्राइब के जो चेंजेस थे उस रामायण में और अपने मन से थोड़े चेंजेस डाल दिए। तो ओवर द इयर्स बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने लग गए। इसी कारण से अगर आज हम देखते हैं तो आज की जो रामायण हमें पढ़ने को या सुनने को मिलती है वो रामायण बुक जो ओरिजिनल वाल्मीकि जी की जो बुक है उससे बहुत डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ओवर द इयर्स जो स्क्राइब्स जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी कर रहे थे वो खुद के थोड़े थोड़े से चेंजेस डालने लग गए, और ये चेंजेस इतने थोड़े थोड़े ओवर द इयर्स इतने ज्यादा हो गए कि आज जो हम टेक्स्ट देखते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है उसके जो सबसे ओरिजिनल जो फर्स्ट टेक्स्ट जो फर्स्ट वर्जन था। सो दैट्स हाउ द मैन्युस्क्रिप्ट्स चेंजेस। The results historians read different manuscripts versions of the same text today to guess what the author had originally written. यानि कि जो original manuscript थी और जो आज की manuscript है उन दोनों को compare किया जाता है ताकि अच्छे से पता चले भाई जिसने original manuscript लिखी है वो कहना क्या चाहते थे, क्योंकि आज के time की manuscripts बहुत ही different है compared to पहले जो originally लिखी गई थी। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल था जियाउद्दीन बरानी का। ये एक रूरल क्रॉनिकलर थे 14th सेंचुरी के, एंड इन्होंने अपनी जो क्रॉनिकल्स थी, अपनी जो विक्ट्रीज थी, अपनी जो वॉर्स थी,
वो 1356 में एक मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी, और इसके 2 साल बाद इन्होंने एक और मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी। ये दोनों ही मैन्यूस्क्रिप्ट काफी डिफरेंट थी, सो द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट जो हिस्टोरियंस थे उनको 1960 तक भी पता ही नहीं था कि जियाउद्दीन बरानी ने 2 मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है। उनको यही पता था जो बाद वाली है, यानी कि 1358 में जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, उनको लगा 1960 तक भी हिस्टोरियंस को लगा कि जियाउद्दीन बरानी के ऊपर सिर्फ एक ही मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है, बट 1960 में पता चला कि भाई उन्होंने तो 2 मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी, एक 1956 में और एक 1958 में, बट हिस्टोरियंस को सिर्फ 1958 वाली मैन्यूस्क्रिप्ट की ही जानकारी थी। तो ये तो बात हुई मैप्स में कैसे चेंजेस आए, लैंग्वेज में, वर्ड्स में कैसे चेंजेस आए, जो टेक्स्ट थे, जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ओवर द ईयर्स, उनमें कैसे चेंजेस आने लगे। स्क्राइब जो कॉपी करते थे वो थोड़े थोड़े से चेंजेस कर देते थे, इसके कारण से ओवर द ईयर्स वो चेंज बहुत सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की। अभी तो हम लिटरेचर की बात कर रहे थे या फिर ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, बट अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल क्या चेंजेस आए, सोशल चेंजेस क्या आए, इकोनॉमिक चेंजेस इस पीरियड में क्या आए। तो ये बात हमें समझनी है क्योंकि हम 700 से 750 पीरियड की ही बात कर रहे हैं, जिस पीरियड को मिडिवल पीरियड भी कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये जो पीरियड है 700 से लेके 1750, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स से भी ज्यादा। तो ये जो 1000 ईयर्स है, इन 1000 ईयर्स में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, बहुत सारे सोशल चेंजेस आए और बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी आए, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। सो दिस पीरियड बिटवीन 700 टू 750 वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस आए, तो भाई इतना इतना बड़ा पीरियड है, 1000 साल का पीरियड है, 700 से लेके 750 तक, पूरे 1000 ईयर्स। तो इन 1000 सालों में नई नई टेक्नोलॉजीज आई, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हम 5 साल पहले, 10 साल पहले भी अगर देखें तो स्मार्टफोन जो हम आज यूज करते हैं इतने फेमस नहीं थे जितने आज स्मार्टफोन यू नो फेमस है, आईपैड फेमस है, नई नई टेक्नोलॉजीज फेमस है, ये उससे पहले नहीं थी। हम एक 10 साल में ही हमें पता चल रहा है कि कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। तो 1000 साल की जब हम बात कर रहे हैं तो कितने सारे इन्वेंशन हुए होंगे, कितनी सारी नई टेक्नोलॉजी आई होगी। तो ऐसी ही न्यू टेक्नोलॉजीज इस टाइम पीरियड में, मिडिवल पीरियड में आई। ये क्या थी, इरिगेशन के लिए व्हील आ गए थे, वीविंग के लिए एक स्पिनिंग व्हील आ गया था, यानी कि चरखा का इन्वेंशन हो गया था इन 1000 साल में। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस, यानी खाने पीने की चीजों में भी बहुत चेंजेस आए। तो पहले इस टाइम पीरियड में पहले आलू की खेती नहीं होती थी, बट फिर आलू आने लगे, भुट्टे आने लगे, कॉर्न, चिलीज यानी कि मिर्चीज की भी उगाई होने लगी। टी कॉफी जो इंडिया में पहले बिल्कुल नहीं थी, टी एंड कॉफी का भी कल्टीवेशन इस टाइम पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए फूड एंड बेवरेजेस इस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में बहुत सारी मोबिलिटी भी हुई। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगे। कोई इंडिया के बाहर चला गया, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरी कंट्रीज में जाके बिजनेस करने लगे, या बिजनेस के लिए गए, दूसरी कंट्रीज से लोग इंडिया हिंदुस्तान में आने लगे, हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लगे। तो पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बिजनेस के कारण, एक बेटर लाइफ जीने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो इस ये जो टाइम पीरियड है 700 से लेके 1750 का जो टाइम पीरियड है, ये 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं या मिडिवल टाइम पीरियड भी कहते हैं, इस मिडिवल पीरियड में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नए नए फूड्स एंड बेवरेजेस इंट्रोड्यूस हुई, प्लस यहाँ पे
दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि जो लोगों का जो मूवमेंट था एक जगह से दूसरी जगह का जो ट्रैवलिंग था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ये तो हुए क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आए। अब बात करते हैं ऐसी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की, जो नए नए ग्रुप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। तो राजपूत एक ऐसा सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप था जो इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया। वन ऑफ द पीपल हु बिकेम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम पीरियड वर द राजपूत। देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने इस स्लाइड में देखा कि कितने इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है। तो टेक्नोलॉजीज आई, नए नए फूड एंड बेवरेजेस आए, तो एक इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस आए। बट अब हम बात करेंगे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की। और जब हम मैं कहती हूँ सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए, तो बेसिकली मैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रही हूँ, कुछ सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, कोई कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि कैसे वो लोग इस टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट बने, या कौन कौन लोग इस टाइम पीरियड में सोशली और पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बने। तो ऐसा ही एक ग्रुप जो सोशली एंड पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बना इस टाइम पीरियड में मिडिवल हिस्ट्री में, वो थे राजपूत। अब जो 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, वहां पे उस टाइम पीरियड में राजपूत वर्ड का अलग मीनिंग था। हमने देखा, हम इतनी देर से देखते ही आ रहे हैं कि हिंदुस्तान का 13th सेंचुरी में मीनिंग अलग था, फिर बाबर ने जो यूज किया 16th सेंचुरी में उसका मीनिंग अलग था, हिंदुस्तान जो हम आज यूज करते हैं उसका मीनिंग अलग है। तो वैसे ही राजपूत, आज हमने टर्म सुना हुआ है, आज हम जानते हैं राजपूत कौन है, एक कम्युनिटी होती है, एक सोशल ग्रुप है, एक सोशल पॉलिटिकल ग्रुप है। बट 8th और 14th सेंचुरी में जब ये टर्म यूज किया जाता था राजपूत, तो उसका मतलब सिर्फ एक क्षत्रिय कास्ट ग्रुप होता था, जो कि बेसिकली एक वॉरियर्स ग्रुप होते थे, यानी कि राजा महाराजा जो वॉरियर्स होते थे, जो वॉर पे जाते थे, उनको कहते हैं वॉरियर्स। तो ये जो वॉरियर्स का ग्रुप था, उनको डिनोट करने के लिए, उन लोगों को रेफर करने के लिए राजपूत टर्म यूज किया जाता था, जो कि बेसिकली क्षत्रिय कास्ट ग्रुप के होते थे, क्षत्रिय कास्ट स्टेटस के होते थे। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ओवर द इयर्स राजपूत टर्म्स में जो इन राजा महाराजाओं की सेनाएं थी, जो सोल्जर्स थे, जो इनके कमांडर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, उन सब लोगों को भी राजपूत ही कहा जाने लगा। सो अपार्ट फ्रॉम द रूलर्स एंड चीफटेन्स, यानी कि जो वॉरियर्स थे, उनके अलावा ओवर टाइम इन वॉरियर्स की जो आर्मीज थी, उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो कमांडर्स थे, यानी कि सेनापति, उनके मंत्री, उनकी सैनिक, ये सब राजपूत कहलाने लगे। सो अपार्ट फ्रॉम द रूलर्स एंड चीफटेन्स, द राजपूत टर्म ऑल्सो बिगेन इंक्लूडिंग सोल्जर्स एंड कमांडर्स who served the armies of different rulers in the subcontinent। तो हम ये एक बहुत अच्छे से ये भी एग्जाम्पल है कि कैसे ओवर द ईयर्स ये जो राजपूत टर्म है, ये इसका मीनिंग भी चेंज होने लगा। बट ये हमें याद रखना है कि इस टाइम पीरियड में अगर कोई सोशल ग्रुप है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया, तो वो थे राजपूत। राजपूतों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो इस टाइम पीरियड में फेमस हुई, वो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बने, सोशली इम्पॉर्टेंट बने। और ऐसी ही कम्युनिटीज थी मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस। कायस जो होते थे स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज होते थे, यानी कि जो राजा होते थे उनके जो मिनिस्टर्स होते थे उनकी अगर कोई सेक्रेटरी होते थे, या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करते थे, उन स्क्राइब की कम्युनिटी को कहते थे कायस। तो राजपूत के अलावा ये जो कम्युनिटीज थी, इन लोगों ने भी जैसे जैसे इनको अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पाई, दे टुक द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेजुअली दीज कम्युनिटीज ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो मिडिवल पीरियड है, इस पीरियड में कौन से ग्रुप्स सोशली पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हुए, या कौन से ग्रुप्स इमर्ज हुए, तो आपको राजपूतों के बारे में लिखना है, आपको मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस, इन लोगों के बारे में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में बहुत सारे सोशल चेंजेस भी आने लगे। अभी हमने पढ़ा कौन से ग्रुप्स इमर्ज हुए, अब हम देखेंगे कौन से सोशल चेंजेस आने लगे यहाँ पे। तो क्या हुआ, जितने भी फॉरेस्ट थे
इस टाइम पीरियड में सारे जंगल जो है उन जंगलों को काटे जाने लगा, वहां पे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी स्टार्ट हुई। अब जो जंगल में भी लोग रहते थे, जंगल में एनिमल्स भी रहते थे, जंगल में कुछ ऐसे ट्राइब्स भी रहते थे जो बेसिकली जंगल पे डिपेंडेंट थे, ऐसी ट्राइब्स को कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो जब ये हैबिटैट चेंज होने लगा, हैबिटैट हमने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ा है हैबिटैट क्या होता है। इफ यू डोंट नो व्हाट डज हैबिटैट मीन, देन यू कैन रेफर टू द वीडियोस व्हिच आई हैव पोस्टेड फॉर ज्योग्राफी चैप्टर्स। वहां पे मैंने एनवायरमेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हैबिटैट क्या होता है। बट फिर से अगर मुझे समराइज करना है, देन हैबिटैट बेसिकली मीन जो एनवायरमेंट होता है और जो लाइफस्टाइल होता है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल किसी भी पर्टिकुलर जगह के लोगों को, उनको हम कहते हैं हैबिटैट। तो क्योंकि फॉरेस्ट क्लियर होने लगे, जंगलों को जंगल साफ होने लगे, तो जो लोग जो जंगल में जो लोग रहते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो लोग होते हैं जो जंगल पे अपने लाइफ के लिए डिपेंड करते हैं, यानी कि जो लकड़ी तोड़ते हैं या जो जंगल के फ्रूट्स होते हैं वो खा के अपना लाइफ हंटिंग गैदरिंग करके बेसिकली अपनी लाइफ चलाते थे। तो अगर फॉरेस्ट ही क्लियर होने लग गए तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दूसरी जगहों पे माइग्रेट करना पड़ा, या फिर वो खेती बाड़ी करने लगे, पीजेंट्स बन गए। पीजेंट्स यानी बेसिकली होता है फार्मर्स, किसान बन गए। ये यहाँ इस टाइम पीरियड में जो सोशल चेंजेस आए, जो कल्चरल चेंजेस आए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी फॉरेस्ट थे वो बहुत तेजी से क्लियर होने लगे, एग्रीकल्चर जो है ज्यादा बढ़ गया। अब एग्रीकल्चर करना है तो लैंड की जरूरत तो होगी, तो फॉरेस्ट जो है उनको फॉरेस्ट को काटे जाने लगा, उस लैंड पे फिर एग्रीकल्चर होने लगा। क्योंकि फॉरेस्ट को काटे जाने फॉरेस्ट कटने लगे तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, यानी कि जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, उन लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ा, या तो किसी दूसरे फॉरेस्ट में गए, या फिर किसी दूसरी सिटी में जाके, दूसरे विलेज में जाके रहने लगे, या फिर कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी और पेजेंट्स बन गए, यानी कि किसान बन गए, फार्मर बन गए। अब ये जो नया पेजेंट का ग्रुप था, यानी कि ये जो नए नए ये जो किसान बने थे, ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये ग्रेजुअली जो किसानी करने लगे, तो धीरे धीरे देवर इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट्स, देवर इन्फ्लुएंस बाय प्रीस्ट, यानी कि जो मंदिर में जो पंडित वगैरह थे, देवर इन्फ्लुएंस बाय दोस पीपल, जो आसपास के जो टेम्पल्स थे, इन सब चीज़ों से ये जो फार्मर्स थे, ये जो पेजेंट्स थे, ये धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगे। इससे क्या हुआ, ये जो नए पेजेंट्स बने, यानी कि हमने क्या देखा, फॉरेस्ट कटने लगे, तो जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे वो अब क्या करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट तो भाई कट गए, तो अब आप क्या करोगे, आपको लाइफ चलाने के लिए कुछ तो जरूरत है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, इनने सोचा भाई अब हमारे फॉरेस्ट चले गए तो हम खेती बाड़ी में ही आ जाते हैं, किसानी कर लेते हैं, फार्मर्स बन जाते हैं, पेजेंट्स बन जाते हैं। तो एक नया पेजेंट्स का ग्रुप बना, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा, जैसे जैसे नए नए पेजेंट्स आते आने लगे, और फिर ये पेजेंट जो नए नए हैं या अमीर बनने लगे, अच्छे से खेती बाड़ी करने लगे, तो इससे जो है ये जो सोसाइटी हो गई बहुत बड़ी हो गई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, और धीरे धीरे फार्मर्स रिच होते गए, और उनको जो टैक्स थे वो लोकल लॉर्ड्स को टैक्स भरने पड़े, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ी। जब ये लोग फॉरेस्ट में थे तब तो इनको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता था, बिकॉज व्हेन दे वर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जब ये फॉरेस्ट में रहते थे तो ये अपनी हंटिंग गैदरिंग करके अपना काम चला लेते थे। बट अब ये फार्मर्स बन गए थे, ये पेजेंट्स बन गए थे, तो इनको जो है टैक्स भरना पड़ता था, अब सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी पड़ती थी लैंडलॉर्ड्स को। तो इस कारण से काफी इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस आने लगे पेजेंट्स के अंदर ही। क्यों, देखो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो पेजेंट्स बने, कुछ एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अब ये जो पेजेंट्स थे इनमें भी बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस थे। क्यों, क्योंकि कुछ पेजेंट्स के पास जमीन थी, कुछ एग्रीकल्चर करते थे, कुछ के पास लैंड नहीं थी, उनके पास सिर्फ कैटल थी, यानी कि सिर्फ एनिमल्स थे, गाय थी, गोट्स थी, शीप्स थी, काउ थी, बफलोज थी, यानी कि सिर्फ कैटल्स थी। अब कुछ पेजेंट्स थे जो एग्रीकल्चर का भी काम करते थे और आर्टिसंस का भी काम करते थे। आर्टिसंस मतलब बेसिकली जो
क्राफ्ट वाले क्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गया या जो टेम्पल्स में कार्विंग करते हैं, ये सारे आर्टिसंस कहलाते हैं। तो अब कुछ पेजेंट्स थे जिनके पास बहुत अच्छी जमीन थी तो वो फार्मिंग करते थे, कुछ पेजेंट्स थे जो थोड़े कम अमीर थे, थोड़े यू नो दे वर लेस रिच, तो उनके पास कैटल थी यानी कि बहुत सारे एनिमल्स थे, काउस थी, बफलोस थी, तो वो उसके थ्रू अपनी लाइफ को यू नो लाइफ चलाते थे। अब कुछ पेजेंट्स ऐसे थे जो जो एग्रीकल्चर भी करते थे और अपने पार्ट टाइम में आर्टिसन वाला वर्क भी करते थे, यानी कि टेम्पल्स में कार्विंग करते थे, कारपेंट्री वाला वर्क करते थे। तो इस कारण से ये जो नया पेजेंट्स का ग्रुप बन रहा था, इन पेजेंट्स के ग्रुप में भी बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस थे। ना तो सारे पेजेंट्स अमीर थे और ना सारे पेजेंट्स गरीब थे, तो हर टाइप के पेजेंट्स थे, हर इकोनॉमिक स्टेटस के पेजेंट्स थे। अब क्योंकि इतना सारा डिफरेंस आने लग गया था सोसाइटी में, कोई फार्मर्स तो बहुत अमीर हो गए थे, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे और कुछ गरीब थे वो गरीब ही थे, तो इस कारण से सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंस आ गए। सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, जिस कारण से ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे इन ग्रुप्स में जाति बन गई, यानी कि सब कास्ट बन गई। पीपल वर डिवाइडेड इंटू जातीज एंड सब कास्ट, और जो जाति थी हर जाति की रैंकिंग दे दी गई, यानी कि जो ऑक्यूपेशन आप करते हो उसके बेसिस पे आपको रैंकिंग मिल गई। तो कुछ जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उनकी रैंकिंग कम थी क्योंकि वो बहुत अमीर नहीं थे, पर जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय जाति के थे, उनकी रैंकिंग हाई थी, बिकॉज यू नो उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, उनकी ऑक्यूपेशन बहुत स्ट्रांग थी। कुछ जो थे वो टेक्स्ट पढ़ते थे, यानी कि जो पढ़ाई वगैरह उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उनकी कास्ट, उनकी जो जाति थी उनकी रैंकिंग भी ऊपर थी। और कुछ कम्युनिटीज, कुछ कास्ट ऐसी थी जो क्लीनिंग वगैरह करती थी, तो उस जाति की रैंकिंग कम थी। बट ये जो रैंकिंग दी गई हर जाति को, सोसाइटी में जितने भी ग्रुप्स थे हर ग्रुप को अलग अलग जाति में डिवाइड कर दिया गया और हर जाति को रैंकिंग दे दी गई कि ये नंबर वन रैंक पे, ये नंबर टू रैंक पे, ये नंबर थ्री रैंक पे, ऐसे रैंकिंग दे दी बेस्ड अपॉन देयर ऑक्यूपेशंस। आपका आप क्या काम करते हो, आपके कम्युनिटी के लोग क्या काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जाति बनाई और फिर उन जाति की रैंकिंग दे दी। बट ये रैंकिंग परमानेंट नहीं थी, बिकॉज जितने भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब जो पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स की ओवरऑल रैंकिंग कम थी, बट सारे पेजेंट्स गरीब नहीं थे, कुछ पेजेंट्स के पास बहुत सारी पावर थी, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, यानी कि बहुत सारी जमीन थी, बहुत सारी कैटल थी, तो ये जो रैंकिंग दी गई ये परमानेंट नहीं थी और उसमें भी अलग अलग यू नो एक्सेप्शंस थे। और ये जो स्टेटस था हर जाति का, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता था। जरूरी नहीं है हर एरिया में पेजेंट्स की रैंकिंग कम हो, कुछ एरियाज में पेजेंट्स की रैंकिंग बहुत ज़्यादा थी, कुछ एरियाज में पेजेंट्स की रैंकिंग कम थी, और विद इन अ ग्रुप, विद इन अ जाति भी अलग अलग लोगों की यू नो बेस्ड ऑन उनके पास कितनी पावर है, कितना रिसोर्सेज है, उसके ऊपर भी जाति मेंबर्स की पावर, इन्फ्लुएंस, वो सब डिटरमाइन करती थी। क्रोनोलॉजी से समझना है कि इस टाइम पीरियड में जितने भी फॉरेस्ट थे उनको कट करने लगे। अब फॉरेस्ट कट हो गए तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट लोग थे, यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अब कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स माइग्रेट कर गए, यानी कि जो एरिया था वो छोड़ के नए एरिया में जाके सेटल हो गए। कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो खेती बाड़ी करने लग गए, और कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो पेशेंट्स बन गए, यानी कि फार्मर्स बन गए। अभी जो फार्मर्स बने, इनका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अभी जितने भी पेजेंट्स बने, ये सारे पेजेंट्स एक ही इकोनॉमिक स्टेटस के नहीं थे, कोई अपर क्लास वाला पेजेंट था, कोई मिडिल क्लास वाला था, कोई लोअर क्लास वाला था। जो अपर क्लास वाला था उसके पास बहुत सारी जमीनें थी खेती बाड़ी करने के लिए, उसके पास कैटल थी। जो मीडियम रेंज का पेजेंट था उसके पास हो सकता है सिर्फ कैटल थी, सिर्फ यू नो काउ बफलो, सिर्फ ऐसे एनिमल्स थे। और जो एकदम लो लेवल का पेजेंट था, हो सकता है वो साथ में उसको आर्टिसनल काम भी करना पड़े, यू नो कारपेंट्री का काम करना पड़ रहा हो, या उसको साथ में एग्रीकल्चर का जो उसका प्रोड्यूस है वो इतना ना बन पा रहा हो। तो पेजेंट में भी अलग अलग ग्रुप्स बन गए।
अब इस कारण से सोसाइटी जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए, बहुत डिवाइडेड हो गई, ये अपर क्लास ग्रुप, ये मिडिल क्लास ग्रुप, ये लोअर क्लास ग्रुप, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। अब इस डिफरेंसेस को यू नो थोड़ा सोसाइटी को थोड़ा और सिस्टमैटिक बनाने के लिए लोगों ने सोचा कि जाति बना देते हैं, यू नो इन ग्रुप्स को अलग अलग, ये जितनी भी कास्ट ग्रुप्स हैं इनको जाति का नाम दे देते हैं और इन जाति को रैंकिंग दे देते हैं कि ये जो अपर क्लास है, ये जो इतना इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, इनको नंबर वन रैंक दे दो। ये जो हमें यू नो रूलर्स हैं या फिर वॉरियर्स हैं, ये हमें सारे एनिमीज से बचा रहे हैं, तो इनको रैंक टू दे दो, और पेजेंट्स को रैंक थ्री दे दो, ऐसे रैंकिंग दे दी गई। लेकिन इस रैंकिंग के लोग भी में अलग अलग एक्सेप्शंस थे। अगर पेजेंट्स को कुछ, और ये जितनी भी रैंकिंग थी ये एरिया टू एरिया भी डिफर करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया में इन ग्रुप्स की रैंकिंग बहुत हाई है, बट ज़रूरी नहीं है ये जो दूसरा एरिया है वहाँ पे भी इनकी रैंकिंग सेम होगी। तो हो सकता है पाटलिपुर में रैंकिंग अलग हो और हस्तिनापुर में रैंकिंग जो है इनकी अलग हो। तो ऐसे एरिया टू एरिया जाति की रैंकिंग डिफर करती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी अक्रॉस एरिया, और ये जो रैंकिंग थी ये परमानेंट नहीं थी, दे वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द जाति मेंबर। सो कोई जाति मेंबर है और सपोज पेजेंट है, उसकी रैंकिंग सोसाइटी में कम दी गई है, बट कोई ऐसा अपर क्लास पेजेंट है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, कैटल भी है, बहुत सारा यू नो प्रोड्यूस भी, एग्रीकल्चरल लैंड से बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये उसकी पावर, उसकी इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली विल बी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर जाति मेंबर्स ऑफ हिज जाति। एक क्रोनोलॉजी के वे में समझना है। अब ठीक है, जाति बन गई सोसाइटी में, तो भाई हमने एक फॉर्मेशन तो कर दी, बट इस फॉर्मेशन को चलाने के लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। कुछ ऐसे जितने भी जाति के मेंबर्स हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, उन सब के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझें, आपका एक स्कूल है, आपके स्कूल में पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, बट आपका कोई कजन है जो दूसरी सिटी में रहता है, उसके स्कूल के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अलग होंगे। या आपका कोई नेबर है जो आपकी ही सिटी में रहता है लेकिन अलग स्कूल में जाता है, तो उसके स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत अलग होंगे। तो ये जितनी भी जातियां थी, अलग अलग जातियां सोसाइटी में बन गई और इन सब जातियों के अपने ही एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने लगे। अब आपके स्कूल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये कौन यू नो सुपरवाइज करता है कि बच्चे ये रूल्स फॉलो कर भी रहे हैं, अप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म पहन रहे हैं कि नहीं, नेल्स बड़े हुए हैं कि नहीं, कट होने चाहिए, ये सारे रूल्स स्कूल के होते हैं। तो कौन देखता है कि ये सारे रूल्स फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं? तो आपके स्कूल की प्रिंसिपल और आपके जो टीचर्स होते हैं, ऑल ऑफ देम इंश्योर दैट यू नो दीज रूल्स आर फॉलोड। तो वैसे ही ये जितनी भी सोसाइटी में जातीज बनी, इन सब ने अपने रूल्स बना दिए। अब बात आती है, इनने रूल्स तो बना दिए लेकिन ये कौन देखेगा कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये लोग फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए एक यू नो बुजुर्गों की एक असेंबली बनाई गई, असेंबली ऑफ एल्डर्स, जिसको नाम दिया गया जाति पंचायत। एक पंचायत क्या होती है आपने पुरानी क्लास में पढ़ा है, इनफैक्ट हमने सिविक्स में भी थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा है अभी सेवेंथ स्टैंडर्ड में। इफ यू हैवंट वॉच दोस चैप्टर्स देन यू कैन गो एंड यू नो वॉच दोस चैप्टर्स। आपको मैंने इन सब टॉपिक्स पे सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। जाति पंचायत या पंचायत क्या होती है आप उन वीडियोज में जाके ईजिली देख सकते हैं। तो जाति बन गई, जाति के लोगों ने अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना लिए। अब बात आई कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए लेकिन हम ये कैसे देखें कि सारे हमारे जाति मेंबर्स इन रूल्स को फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं? सो दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स और द जाति पंचायत। जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज, यानी कि इन जाति का रूल अलग था, इन जातियों के रूल तो थे ही थे, इसके अलावा हर गाँव का अपना अपना अलग रूल भी बना हुआ था, तो जाति के भी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे और विलेज के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो करने होते थे। तो जाति जो है एक किसी एरिया का, किसी स्टेट का एक बहुत छोटा सा यूनिट था। हर स्टेट में बहुत सारी चीजें थी और ये जो जाति जो है हर स्टेट का एक बहुत सा स्मॉल यूनिट था, एक बहुत छोटा पार्ट था हर स्टेट का। तो
इस चैप्टर, ये अभी आधा ही चैप्टर कवर हुआ है, बचा हुआ चैप्टर दैट इज आई विल बी कवरिंग इन पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ये वाला था जिसमें मैंने ये सारी चीजें कवर की, चेंजेस क्या है और टर्मिनोलॉजीज में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए, कौन से सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए इस टाइम पे, कौन कौन जाति फॉर्म कैसे हुई, जाति पंचायत क्या होता है, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बचा हुआ चैप्टर आई विल बी कवरिंग इन पार्ट टू ऑफ द चैप्टर। पार्ट टू, चैप्टर वन पार्ट टू के नाम से एक टाइटल होगा, उस वीडियो में मैं बचा हुआ चैप्टर कवर करूंगी। इस वीडियो में इतना ही चैप्टर था, आई हैव कवर्ड ओनली हाफ ऑफ दिस चैप्टर। बचा हुआ चैप्टर वुड बी कवर्ड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि सेकेंड वीडियो ऑन दिस चैप्टर दैट विल बी इजीली अवेलेबल ऑन दिस चैनल, अन अकेडमिक क्लास अपार्ट चैनल। तो वो आपको मिल जाएगा, आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैम विल बी कवरिंग द एंटायर चैप्टर, सो डोंट वरी। नाउ अगर आपको यही चैप्टर वापस से इंटरैक्शन के थ्रू पढ़ना हो, इंटरैक्शन के थ्रू यानी आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपके मन में कोई डाउट्स आ गए, अब हो सकता है आप इस वीडियो में तो मुझसे वो डाउट्स पूछ नहीं सकते बिकॉज दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो एंड कॉमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रहते हैं हमारे चैनल के। तो अगर आपको इफ यू वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद द एजुकेटर, इफ यू हैव डाउट्स, इफ यू वॉन्ट टू आंसर माई क्वेश्चन, तो यू कैन अटेंड माई स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टोटली अटेंड फ्री स्पेशल क्लासेस ऑफ अन अकेडमी। अब ये स्पेशल क्लासेस आप कहाँ अटेंड कर सकते हैं, सो यू कैन अटेंड दीज क्लासेस ऑन द अन अकेडमी ऐप। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट की क्लास पढ़नी है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वहां पे आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। फ्री क्लासेस ऐप पे होती है और ये बिल्कुल फ्री होती है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और बेनिफिट्स इतने सारे हैं दैट यू गेट टू इंटरैक्ट विद द एजुकेटर। एजुकेटर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसी टाइम पे आंसर कर सकते हैं। प्लस आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी क्वेश्चन टैब होता है वहां पे अपने क्वेश्चंस लिख के एजुकेटर को दे सकते हैं। आप ये क्लासेस अपने फ्रेंड्स के साथ अटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन एजुकेटर ने पूछा, आपने क्या आंसर दिया, आपके फ्रेंड ने क्या आंसर दिया, आपके दोनों के आंसर सेम थे या नहीं। तो आप अपने क्लासमेट्स को भी बुलाइए और अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करने लग जाइए, बिकॉज आई अगेन गारंटी कि ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत फन होती है, बिकॉज आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो, आप क्विज वहाँ पे खेल सकते हो, पोल्स होते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्लस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एजुकेटर्स जो है इन स्पेशल क्लासेस को लेते हैं, पढ़ाते हैं। सो अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस आप ऐप पे ले सकते हो, दैट इज अन अकेडमी लर्नर्स ऐप। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये सारी स्पेशल क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बात हुई फ्री स्पेशल क्लासेस की। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी प्लस सब्सक्रिप्शन की, कि अगर आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको विद इन अ वीक आपको अपने रिजल्ट इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। तो बात आती है कि आप हम क्यों ले प्लस सब्सक्रिप्शन, तो क्यों ले, तो वो सारे बेनिफिट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहला तो यू गेट टू लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस। आप घर में बैठे बैठे किसी भी टाइम पे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। तो आप मैथ्स पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप कोई भी कोर्स पढ़ो, आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन मेरा कोड यूज करके अवेल कर लिया तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते या साइंस नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैम तो SST की टीचर है। ऐसा नहीं है, आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो और अनलिमिटेड कोर्स पढ़ सकते हो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। जैसा कि मैंने बताया था, अन अकेडमी पे सारे टॉप एजुकेटर्स होते हैं, तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड यू लर्न द बेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया हु आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स।
इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे अपने जितने भी अकेडमिक डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। एग्जॉस्टिव तरीके से सिलेबस को कवर किया जाता है। डेली टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, क्विज होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ये सब होता है अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके अलावा आपको एक मेंटोर भी मिलता है जो आपको एक दोस्त की तरह सारे बच्चों को गाइड करता है एंड टेल यू कि आपकी प्रोग्रेस कैसे आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स आर टोल्ड बाय द मेंटोर हु इज मोर लाइक अ फ्रेंड टू यू। इसके अलावा अनअकैडमी आपको स्टडी मटेरियल भी देता है, तो आपको कहीं एकदम ऐसे हाइपर होके कहीं पे भी मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक कहाँ से कवर करना है, कि ये टॉपिक कहाँ से कवर करना है, मेरे पास तो बुक ही नहीं है। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट अनअकैडमी पे मैं बता ही चुकी हूँ, डेली टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज होती है। यानी कि जैसा आपको क्लासरूम में फीलिंग आती है ना एकदम ऑन स्पॉट एग्जाम देने की, वैसी ही फीलिंग आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइव टेस्ट होता है, आपको लाइव ऑन स्पॉट टेस्ट देने होते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अब अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है। अलग अलग पैकेजेस है, 6 months का पैकेज है, 12 months, 15 months, 18 months, 24 months, आपको जो पैकेज आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेना है आप वो सारे पैकेज ले सकते हैं। प्लस अगर ये रेट्स जो स्क्रीन पे दी हुई है अगर आपको कम करनी है तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ये तो बात हुई प्लस सब्सक्रिप्शन की, अब बात आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन तो है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा। अब बॉम्बे टू गोवा आप जनरल कोच में भी बैठ सकते हैं, आप थर्ड एसी में भी बैठ सकते हैं, आप फर्स्ट एसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन आपको गोवा ही पहुंचाएगी, ऐसा नहीं आप जनरल कोच में बैठोगे तो ट्रेन आपको चेन्नई पहुंचा देगी, ऐसा नहीं होता, राइट। तो अगर आप जनरल डब्बे में बैठो, आप थर्ड एसी में बैठो, आप फर्स्ट एसी में बैठो, ट्रेन आपको एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचाएगी। बट बात आती है कंफर्ट की, राइट। कंफर्ट, सो जनरल कोच में कंफर्ट कम होगा, जनरल पब्लिक होगी, इतनी प्राइवेसी नहीं होती, पब्लिक ही पब्लिक होती है, एकदम लोग बहुत एकदम बहुत पैक्ड होता है कोच। थर्ड एसी में भीड़ कम होती है, कंफर्ट भी बहुत होता है, और फर्स्ट एसी में सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है। आपको कोच पे कोई और आके बैठ नहीं सकता, आपके सेपरेट कोच होते हैं, तो कंफर्ट ही कंफर्ट है। वैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत कंफर्ट है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये जो फीचर्स हैं ये बढ़ जाते हैं, ये और ज्यादा हो जाते हैं। अब क्या फीचर्स और एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, तो वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो बेनिफिट्स क्या है, पहला तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, यानी कि जो प्लस सब्सक्रिप्शन में था वहां पे तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ कोई मेंटर अपॉइंट होगा, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपको सिर्फ आपको ही पर्सनली 1-to-1 गाइड करेगा। इसके अलावा आप लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो है डाउट सॉल्विंग राउंड्स होते हैं, बट अनअकैडमी पे लाइव आप पूछ सकते हो। आपको पूरे वीक खत्म होने के लिए, एंड होने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपके डाउट्स आ रहे हैं, आप वैसे वैसे पूछ सकते हो एजुकेटर से। प्लस आपको अनअकैडमी वीकली रिपोर्ट बना के भी देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे वीक में आपकी क्या प्रोग्रेस रही है, कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे यू कैन इम्प्रूव, या इन व्हाट ऑल एरियाज यू हैव इम्प्रूव थ्रू आउट द वीक। तो ऐसी पूरी वीकली रिपोर्ट अनअकैडमी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको एक बना के देगी। इसके अलावा अनअकैडमी पे पेरेंट कनेक्ट भी होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बच्चों के डाउट्स तो क्लियर होंगे,
पेरेंट्स के कोई भी डाउट्स होंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कितना घंटा पढ़ाएं, आगे इनको किस फील्ड में मोटिवेट करें, तो वो सब भी पेरेंट्स भी अपने डाउट्स जो है एजुकेटर से पूछ सकते हैं। कहाँ पूछ सकते हैं? अगर वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का। इसके अलावा अनअकैडमी एक पूरा स्टडी प्लानर भी, एक पूरा स्टडी का प्लान आपको बना के देगा कि पूरे मंथ में, पूरे वीक में आपको ये चैप्टर्स करने चाहिए कंप्लीट, जिससे आप अक्रॉस द मंथ आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि इस वीक में क्या मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया जैसा मेरे स्टडी प्लानर में था या नहीं था। तो इतनी मेहनत अनअकैडमी सिर्फ आपके लिए करता है। तो जब अनअकैडमी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपके रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली इंप्रूव होंगे ना। इसीलिए मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो विद इन अ वीक आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जितने भी सारे बेनिफिट्स या फीचर्स प्लस सब्सक्रिप्शन के थे वो सब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलता है। इट्स जस्ट दैट ये 5 comfort, 5 benefits फर्स्ट एसी वाले के आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये 5 benefits आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है, अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेट्स आपकी स्क्रीन पे है। अगेन अलग अलग पैकेजेस हैं, 6 months का पैकेज है, 12 months का पैकेज है, 15 months, 18 months, 24 months, अलग अलग पैकेजेस हैं। 10% अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10, बिकॉज अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है। 10% ऑफ होने के बाद रेट्स क्या होंगी, तो ये वाले स्क्रीन पे तो है ओरिजिनल रेट्स, और अगर आप ये वाला मोबाइल फोन की इमेज देखेंगे तो ये सारी रेट्स 10% डिस्काउंट के बाद जो होती है वो है। तो आप आराम से इजीली कंपेयर कर सकते हो कि 10% डिस्काउंट के बाद कितनी रेट्स रीजनेबल हो जाती है, अफोर्डेबल हो सकती है। आपको जो पैकेज लेना है आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। So that was all from my end. Thank you so much for watching this video till the end. Thank you so much for staying tuned. Before going to any other place for dinner, lunch, या फिर दूसरे YouTube के किसी channel पे, दूसरे video पे Unacademy के, please do not forget to like, share and subscribe. Like this video, share this video and subscribe to the Unacademy channel. Hit the bell icon to get the latest updates. Together you and we can crack any exam, so let's crack it with Unacademy. Thank you so much for watching this video. Stay cool.